और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी इंडिया कितनी टेक्नोलॉजी मतलब कितने आगे हो चुकी है ना। गुड मॉर्निंग फैमिली, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मस्त अभी सुबह के 7 बज रहे हो, जस्ट हम लोग उठ चुके, तो फटाफट पहले चलते हैं नीचे फ्रेश होता हूँ। और फैमिली भी सुबह के 7:30 बज रहे हो, हमारी चाय हमारे पास आ चुकी है और आप मेरे फेस पे धूप देख सकते हो कितनी कड़क है। और इस धूप में बैठा हूँ तो ऐसा लग रहा है गर्मी लग रही है इतनी कड़क धूप के हैं। जो मॉर्निंग की धूप इतनी कड़क है, दोपहर में क्या हाल होने वाला है। अरे दोपहर होते होते ना पूरी हालत टाइट हो जाती है, ऐसा लगता है मुंबई की गर्मी यहाँ आ चुकी है। और ठंडी तो ऐसा अचानक गायब हो गई ना कि कोई बात नहीं, तो फटाफट पहले चाय कंप्लीट करता हूँ, थोड़ा धूप में बैठे के बाद निकलता हूँ यार, नहीं तो पूरा ऐसे जल जाऊँगा धूप में। फटाफट चाय कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोग से मिलता हूँ। चलो फैमिली अभी अपन मस्त अपना चाय तो कंप्लीट होगा, चलते खेत में, थोड़ा काम बाकी है। अब वो काम करते, वो भैंस का चारा लेके आने का ना, तो लेके आते घर पे रखते फिर उसे कट करने का, तो पहले फटाफट चलता हूँ खेत में उसको उठा के लेके आते। फाइनली हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, खेत से मैं जो लाना था ना वो भैंस का चारा वो भी ला दिया और मैंने कट भी कर दिया है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी इंडिया कितनी टेक्नोलॉजी मतलब कितने आगे हो चुकी है ना, क्योंकि अभी पहले हम लोग कैसे हाथ से कट करते, मेरे पहले ब्लॉग में आपने देखा था हम लोग ने हाथ से कट किया, मगर अभी ना मोटर से कट किया, वो मोटर आ चुका है। और धूप देखो यार कितनी कड़क धूप है यार, फटाफट ना गर्मी तो बहुत लग रहा है, तो फटाफट पहले तो नहाता हूँ और उसके बाद आराम करता हूँ, क्योंकि ना दोपहर में हम लोग कहीं जा नहीं सकते। और धूप देख रहे हो आप, खुद देख सकते हो फेस पे क्या धूप है। और अभी ना 11:30 बज रहे, तो नहाता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट मैं आप लोग को शाम को मिलता हूँ, ठीक है। तो मेरा बाकी सुबह नहाता हूँ यार, बहुत गर्मी लग रही है, चलो मिलता हूँ। फैमिली अभी शाम के 5 बज रहे हो, मस्त हम लोग सोके उठ चुके, शाम की चाय भी हमारे पास आ चुकी है, तो फटाफट चाय कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं चल रहा है मार्केट, क्योंकि आज मेरा मन बहुत चाइनीज़ खाने का हो रहा है। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला है, वो थे ना हमारे पहले ब्लॉग टिंकू भाई हमारे, तो उनको मैंने बोला है, तो उनके साथ जाएंगे हम लोग मस्त चाइनीज़ खाते और थोड़ा मार्केट भी घूमेंगे। चलो पहले फटाफट चाय कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद चलते मार्केट के लिए निकलते। जब हम लोग अपन चलते मार्केट घूम के आते, मैंने बताया था मुझे चाइनीज़ खाने का मन हो रहा है, तो फटाफट चलते मार्केट और चाइनीज़ खा के आते। तो चलो चलते मार्केट, क्योंकि अभी बस रात तो हो चुकी है, तो फटाफट जल्दी जल्दी चलते यार, हल्की हल्की रात हो रही है, तो फटाफट चलते हैं, टाइम तक मार्केट में रुक नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ना रात में थोड़ा लाइट वेट का इशू है। तो चलो चलते हैं फटाक से मार्केट और चाइनीज़ खा के आते, क्योंकि बहुत मन हो रहा है, लिटरली बोल रहा हूँ बहुत मन हो रहा है, तो फटाफट चलता हूँ, डायरेक्ट मैं आपको मार्केट के अंदर ही मिलता हूँ। शाम के 7:30 बज रहे हैं, टिंकू भाई मत हम लोग चाइनीज़ खाने के लिए आए, तो चाइनीज़ कम्प्लीट करते उसके बाद चलते घर पे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे ज़्यादा टाइम तो घूम नहीं सकती, क्योंकि गाँव है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट चाइनीज़ कंप्लीट करते हैं हम लोग, और गाँव की चाइनीज़ से ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, क्योंकि अपन ने मुंबई में बहुत खाई, अलग अलग जगह से खाई है, मगर अभी यहाँ पे अपन ट्राई करते हैं। A few moments later. फैमिली भी रात के मस्त 8 बज रहे हैं और हम लोग मस्त अभी जस्ट में घर पे आया, क्योंकि मार्केट में बहुत मजा आ रहा है, यहाँ वहाँ घूमा और चाइनीज़ लिटरली बहुत अच्छा था, एकदम मुंबई वाला टेस्ट था। मुझे लगा नहीं था कि मतलब ऐसे रहेगा, मैंने उनको बोला भी कि भाई ये तो पूरा मुंबई वाला टेस्ट, तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैंने मुंबई से ही सीखा है, बहुत अच्छा लगा वो चाइनीज़। हाँ ऐसा था नहीं कि मतलब गाँव में खाया थोड़ा अलग रहेगा, नहीं टेस्ट तो मुंबई वाला था। और अभी हम लोग कहीं जाना है, आपको तो मतलब रूल पता ही है, जल्दी सो जल्दी उठो का, अबे शांत हो जाओ, उनको कुछ नहीं कर सकता है वो तो उनका रात भर चलने वाला है, तो मस्त अपना अभी सोते हैं क्योंकि मुझे नींद भी बहुत आ रहा है। तो अभी मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो बाय एंड गुड नाइट।